Hello everyone, let's say we have to design a push down automata for A power n, B power n, C power n and D power n. यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि A B के इक्वल होने चाहिए, B C के इक्वल होने चाहिए और C D के इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पे A B C और D की संख्या सेम होनी चाहिए. हम यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं n is greater than or equal to 1. तो इसके लिए अगर आप ऐसा सिंगल स्टैक पीडी डिजाइन करें तो पहले आप ए और बी को मैच करा लें. इसका मतलब है कि ए के कोरस्पॉन्डिंग आप पुश करा लें. जब से इसको हम लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर. तो जब ए आए तो स्टैक को पुश कर लीजिए, ए आए तो स्टैक को पुश कर लीजिए. जब बी आए और स्टैक के टॉप पे ए है तो पॉप कीजिए, बी आए स्टैक के टॉप पे ए है तो पॉप कीजिए. और उसके बाद जब सी आए तो अगेन स्टैक को पुश कीजिए, सी आए तो स्टैक को पुश कीजिए. जब डी आए तो स्टैक के टॉप पे अगर सी है तो पॉप कर दीजिए, डी आए स्टैक के टॉप पे सी है तो इसको भी आप पॉप कर दीजिए. तो इस तरह से ए बी की संख्या से मैच कर गया और सी डी की संख्या से मैच कर गया. मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है ए पावर वन बी पावर वन सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर. तो ये जो स्ट्रिंग है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा इस स्कीम से. ए आए तो आपने पुश किया, जैसे बी आया स्टैक के टॉप पे ए था आपने पॉप कर दिया, स्टैक एम्प्टी हो गया. अब सी आया तो आपने पुश कर दिया, फिर सी आया पुश किया. जब डी आया तो आपने पॉप कर दिया, फिर डी आया तो आपने पॉप कर दिया, तो स्टैक एम्प्टी हो गया. तो ये भी लैंग्वेज इसमें एक्सेप्ट हो गई, लेकिन ये लैंग्वेज सॉरी ये जो स्ट्रिंग है उसमें एक्सेप्ट हो गई, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है. तो ये जो स्कीम हमारी है वो गलत हो गई. एक और स्कीम के बारे में हम सोच सकते हैं, देखते हैं कि क्या वो वैलिड है कि नहीं. आप एक काम कीजिए कि एज और बीज को पुश कर दीजिए एंड देन उसके बाद सीज और डीज के कोरस्पॉन्डिंग पॉप कर दीजिए. तो लेट से मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर है. तो उसमें जैसे ही मेरे पास ए आया मैंने इसको स्टैक पे पुश किया, फिर ए आया पुश किया, बी आया पुश किया, बी आया पुश किया. जब सी आया तो पॉप कर दीजिए, सी आया पॉप कर दीजिए, डी आया पॉप कर दीजिए, डी आया पॉप कर दीजिए. इस केस में अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग ए बी बी और सी डी डी होगा तो भी ये इससे एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे ए आएगा मैं इसको पुश कर दूंगा, बी होगा इसको पुश कर दूंगा, बी आएगा मैं इसको पुश करूंगा, सी के कोरस्पॉन्डिंग मैं पॉप करूंगा, डी के कोरस्पॉन्डिंग मैं पॉप करूंगा, डी के कोरस्पॉन्डिंग मैं पॉप करूंगा. तो इस केस में भी ये हमारी स्कीम गलत हो गई है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो ए पावर वन बी स्क्वायर सी पावर वन डी स्क्वायर है, जो कि लैंग्वेज का पार्ट नहीं है. इसका मतलब सिंगल स्टैक पीडीए डिजाइन करना इस तरह से पॉसिबल नहीं है. तो हमें काम करते हैं कि हम किसी और स्कीम से इसको डिजाइन करते हैं. शायद हो सकता है कि जो टू स्टैक पीडीए है वो हमारी हेल्प करे इस स्कीम को डिजाइन करने के लिए. तो आइए हमें कोशिश करते हैं जिससे कि हम टू स्टैक पीडीए डिजाइन कर सकें. सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स राइट इट वेरी क्लियर. एक एस वन स्टैक है जिसमें जेड जीरो सिंबल है स्टैक के टॉप पे, और एक एस टू स्टैक है जिसमें कि जेड वन सिंबल है स्टैक के टॉप पे. सो दिस इज एस वन एंड दिस इज दी एस टू स्टैक. जैसे एज आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी स्ट्रिंग ले लिए डबल ए डबल बी डबल सी और डबल डी, लास्ट में एप्सिलॉन है. तो अगर ए आया तो आप स्टैक वन पे पुश कर दीजिए, फिर ए आया तो आप स्टैक वन पे पुश कर दीजिए. अब आपको बी देखने हैं, तो जैसे बी आएगा और स्टैक के इस एस वन स्टैक के टॉप पे ए होगा, आप इसको पॉप कर दीजिए और साथ ही साथ इसके बी बी को स्टैक वन पे पुश कर दीजिए. फिर से बी आएगा स्टैक पे, स्टैक वन को पॉप कीजिए और इसको पुश कर दीजिए एस टू स्टैक पे. तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने काउंटिंग कर ली है एज और बीज की. इसके बाद सीज आएंगे, तो जब सीज आएंगे तो आप क्या कीजिए कि जो सेकेंड स्टैक है उस सेकेंड स्टैक में अगर टॉप पे बी है तो उसको पॉप कर दीजिए और इस बी को इंसर्ट करा लीजिए एस वन स्टैक पे, सॉरी सी को. देन सी आया तो आपने एस टू स्टैक को पॉप किया और इस सी को एस वन स्टैक पे पुश कर दिया. तो इस तरह से आपने बीज और सी की काउंटिंग को मैच करा दिया. इसके बाद एस टू स्टैक एम्प्टी हो जाएगा. अब डीज हमारे पास आएंगे, जैसे डीज हमारे पास आएंगे पहले आप एस वन स्टैक को एस वन स्टैक से इसको मैच कराइए. अगर ये टॉप से मैच कर जाता है तो पॉप कर दीजिए, फिर डी आएगा ये मैच कर जाता है टॉप से तो पॉप कर दीजिए इसको. एंड में एस वन स्टैक भी एम्प्टी हो जाएगा. अगर एस वन स्टैक भी एम्प्टी है और एस टू स्टैक भी एम्प्टी है एप्सिलॉन के आने तक, तो हम कहेंगे कि ये एक्सेप्ट हो गया है हमारा लैंग्वेज. तो हमने पहले एज की बी से काउंटिंग कराई,
फिर बी की सी से काउंटिंग कराई एंड देन सी की डी से काउंटिंग कराई, काउंटिंग मतलब कंपैरिजंस कराई। तो इसके लिए हम पीडीएफ डिजाइन करते हैं। लेट्स से हमारे पास क्यू जीरो स्टेट है, वो इनिशियल स्टेट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्यू जीरो स्टेट एंड लेट्स से वी हैव द इनपुट ए, और जो पहला स्टैक है उसके जेड जीरो है उसके टॉप पे, तो मैं क्या करूंगा कि ए को पुश कर दूंगा, दूसरे स्टैक में कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करूंगा। इसके बाद मान लीजिए कि मुझे ए मिलता है और स्टैक के टॉप पे, पहले स्टैक के टॉप पे भी ए मिलता है, तो मैं ए को पहले स्टैक पे पुश कर दूंगा, दूसरे स्टैक में कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा। जैसे ही मुझे बी मिलना स्टार्ट होगा हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या पहले स्टैक के टॉप पे ए है, अगर ए है तो हम इसको पॉप कर देंगे और इसी बी सिंबल को दूसरे स्टैक पे पुश कर देंगे। तो अगर दूसरे स्टैक के टॉप पे जेड वन है तो मैं इसको स्टैक के टॉप पे पुश कर देता हूँ, मैं स्टेट क्यू वन में मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे बीज ही मिलेंगे, तो बी मुझे मिलेगा और सेकेंड स्टैक के टॉप पे अगर ए होगा तो मैं इसको पॉप कर दूंगा, दूसरे स्टैक के टॉप पे मुझे बी मिलेगा तो मैं इस बी को पुश कर देता हूँ। इसके बाद मान लीजिए कि मैं हमारी बी ए और बी की काउंटिंग हो गई है और सेकेंड वाले स्टैक पे बी आ गया, तो अब सी मुझे मिलेंगे, जैसे सी मिलेगा मुझे मैं पहले फर्स्ट सेकेंड स्टैक की तरफ ये देखता हूँ कि सेकेंड स्टैक में क्या होगा, फिर फर्स्ट स्टैक की एक्टिविटी डिफाइन करते हैं। तो सेकेंड स्टैक में सी के कोरस्पॉन्डिंग मुझे स्टैक के टॉप पे बी मिलेगा जिसको मुझे पॉप करना चाहिए, और फर्स्ट स्टैक में इसी सिंबल सी को मुझे पुश करना है। तो अगर फर्स्ट स्टैक में जेड जीरो सिंबल मुझे दिखता है तो मैं इस सी को इस पे स्टैक पे पुश कर देता हूँ फर्स्ट स्टैक पे। फिर इसके बाद मैं क्यू टू स्टेट में हूँ और यही सीज मुझे मिलते रहेंगे, सी मुझे मिला स्टैक के टॉप पे, पहले स्टैक के टॉप पे मुझे सी मिलेगा और मैं एक और सी स्टैक पे पुश कर दूंगा पहले स्टैक पे, दूसरे स्टैक से मुझे पॉप करना है क्योंकि मुझे इसकी काउंटिंग मैच करानी बी से, तो सी मिला है और दूसरे स्टैक के टॉप पे बी है तो मैं इसको पॉप कर देता हूँ। तो इससे ए बी के साथ मैच कर गया और बी सी के साथ मैच कर गया। अब इसके साथ हमें डी की मैचिंग करानी है, तो जब डी आएगा तो पहले स्टैक के टॉप पे मुझे सी दिखना चाहिए, अगर दिखेगा तो ये एप्सिलॉन होगा मतलब कि इसको हम पॉप कर देंगे, दूसरे स्टैक में मुझे जेड वन दिखेगा स्टैक के टॉप पे तो उसको जेड वन ही मुझे छोड़ देना है। आई एम मूविंग टू द क्यू थ्री स्टेट, यहाँ मुझे डीज मिलेंगे, तो डी मिलेगा मुझे स्टैक के टॉप पे, सी होगा पहले स्टैक के, इसको मैं पॉप कर देता हूँ, फिर मुझे दूसरे स्टैक के टॉप पे जेड वन ही मिलेगा, इसको मैं जेड वन ही छोड़ देता हूँ। इनपुट्स हमने जो सेलेक्ट किए थे दोज वर ए बी बी सी सी और डी डी, लास्ट में मुझे एप्सिलॉन मिलेगा। तो अगर हमने ए को बी के साथ मैच करा लिया है, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ, तो अब मुझे एप्सिलॉन मिलेगा और दोनों स्टैक के टॉप पे जेड जीरो मिलेगा, पहले स्टैक में जेड जीरो मिलेगा इसको जेड जीरो ही छोड़ दीजिए, दूसरे स्टैक में जेड वन मिलेगा उसको जेड वन ही छोड़ दीजिए, और उसके बाद फाइनल स्टेट में मूव कर जाइए। सो दिस वे वी आर एबल टू डिजाइन दी टू स्टैक पीडीए फॉर द गिवन लैंग्वेज। सो टू स्टैक पीडीए, आई अगेन रिपीट कि अगर आपने टू स्टैक पीडीए डिजाइन किया है किसी लैंग्वेज के लिए तो वो लैंग्वेज कंटेक्स्ट फ्री नहीं होती है, अगर आपने सिंगल स्टैक पीडीएफ डिजाइन किया है तो वो कंटेक्स्ट फ्री होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।